नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हरियाणा की जीत पर खुशबू और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो तो अच्छा होगा, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा। अवैध संबंधों के चलते हुई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल पर किया शब्दी हमला। भाजपा अपने दम पर ही सरकार बनाने में हुई सक्षम, पर फैसला लक्ष्मीकांता चावला ने कहा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के विवरित नेता लालकृष्ण आडवाणी ने हरियाणा में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा के बहुत पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं और वे आशा करते हैं कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो और दोनों पार्टियों मिलकर सरकार बनाए। देखिए, हरियाणा में तो हम कभी सशक्त इतने नहीं थे, सर सामने देखिए, लेकिन इस बार हमको थोड़ी सी निराशा हुई जब शिवसेना ने निर्णय कर लिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से साफ दिखाई देता है कि अभी भी लोकसभा का जो मूड है देश में वह विधानसभाओं में भी कायम है। मैं तो चाहूँगा कि सरकार बने और बीजेपी और शिवसेना की मिलकर के बनती, तो मैं शुरू से लेकर के मैंने कहा भी था कि ये टूटना नहीं चाहिए था, इतने सालों का पुराना संबंध बने रहना चाहिए था, वो मैंने कहा भी था। लेकिन जो भी हुआ उसके बावजूद भी जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से मुझे संतोष है। मध्यस्थता का दौर, मुझे कहेंगे मेरी पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए, मानता हूँ उसकी संभावना मुझे नहीं लगती, लेकिन शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा हो। सीमावर्ती गांव सारागढ़ी निवासी कबड्डी खिलाड़ी गुलाब सिंह की 7 अक्टूबर को हत्या कर दी गई है। पुलिस उसे ऑनर किलिंग मानते हुए मृत्यु के ससुरालियों पर केस दर्ज कर जांच कर रही थी, तो 2 सप्ताह के बाद पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए मृत्यु के मौसी की बेटी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इतना शातिर था कि वह पुलिस की जांच को भड़काने के लिए रोज थाने जाता था और रो रो कर अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए कहता था। जो वारस से बेअंत सिंह दादा, उन्होंने वालों कुछ पिंड के बंद के खिलाफ दुश्मनी से पुरानी चलती आ रही, उन्होंने खिलाफ इन्होंने FIR थाना लोपो के दर्ज करवाती थी, बट सानू उन्होंने जरा जिन्हें बंद के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने गतिविधियां तो सानू कोई बहुता शक नहीं होया, उन्होंने जरा इस कतल के ना तालमेल नहीं लगा। पुलिस ने साइंटिफिक ढंग नाल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस 3 अक्यूज अरैसट किया। बेसिकली रीज़न जरा आया, मरण वाला लड़का जरा गुलाब सिंह शक करता अपनी वाइफ दे ते, जरा विचों अक्यूज है एक बलबीर के नाल रिलेशन का, एक शक से बलबीर ने इस गल का पता लग गया भी इनू मेरे शक करता, इसी नाल मिलकर उन्हें अपना एक रिश्तेदार गुरशरण सिंह सेगा जो जोत सिंह वाला बुलटोआ एरिया का रहने वाला, एक सतनाम है उन्होंने बुलाया, इन्होंने साजिश के नाल तरीके अपने को बुला लिया, तो बट रस्ते दे ही गले के पहला गल रस्सी पा के गला कुटिया गया, तो फिर बाद तेज़धार हथियारों के नाल मार के डेड बॉडी डिस्पोज करती। 3 persons have been arrested in this case
जो मोटरसाइकिल था मौके तो मिले नहीं सू बाद भी असं रिकवर कर लिया। मुख्य संसदीय सचिव डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को बताया जाए कि 2.5 साल में पंजाब के लोगों के लिए वर्तमान सरकार ने क्या किया है। अकाली दल में एक ऐसा गुट बन गया है जो विवाद की राजनीति को तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की क्या जिम्मेवारी है, ये फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिद्धू पंजाब के सीएम भी बन जाए। उन्होंने एक भी भले का काम किया हो कदे अपने इलाके लिए उन्हें मैं अगे ला के दस दिन एंड मेरी कंपैरिजन ही ना करन क्योंकि अज की डेट तक मैं 40 करोड़ अपने हल्के चला चुकी हाँ एंड मैं इस गल से स्टैंड कर दी हाँ कि एक भी बंदा मेरे इलाके का कह दे कि मेरे तो किसी हालत किसी भी तरीके परेशान सगा चाहे वह जमीन दबन वाली गल हो चाहे वह ड्रग्स वाली गल हो चाहे वह इन्हों वाली इशूज छड़ के देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के किन्या के कार्ड बनाए किन्या के बुढ़ापा पेंशन लाई किन्या कनक पहुँचाई किन्या कोई कम किया कारोबार किया ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਚਾਹੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਨੂ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਔਰ मन्नू गोला ने कैबिनेट मंत्री जोशी और पार्षद अनुसिक्का को सम्मानित किया। क्योंकि चिंतपूर्णी मां है जिसके साथ उसे किस बात की चिंता। जी आयन जी, जय माता दी। हाँ जी जोशी साहब, पांच दिन बंदा सजाई मेर के बहुत बढ़िया। पंजाब सरकार बा कमाल ओदा बा कमाल कार्यशैली जिन्हों की है पंजाब काम करने की। रमेश कुमार जी के नाल समीर वर्मा जी नागरन के वास्ते उन्होंने भी भारत और संस्कृति की बात की जाए तो जहां हाथ से बने कलाकृतियों की जो पहले हमारे घर की शान हुआ करती थी आज ये करीब लुप्त ही हो चुकी हैं, लेकिन जलंधर के विरसा विहार में ऐसी ही चीजों का 3 दिवसीय मेला लगा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाथों से बनी कलाकृतियां ही हैं और ये सब दीपावली से संबंधित है और ये जलंधर के अलग अलग स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा। म्यूरलिस्ट हाँ, म्यूरल्स का काम वुड आर्ट बनाना होता है तो इतने सारा दिवाली डेकोर हैगा है दिवाली वास्ते घर के डेकोरस वास्ते है फोटो फ्रेम्स दैन द प्लेट्स आ देर फिर सारी डेको की पीसिस ने नेम प्लेट तुम बनवा सकते हो। मैं सारी चीज़ों के एज अ प्रोफेसनल आर्टिस्ट काम करती हाँ सो इतने मैं बहुत सोनिया सोनिया छोटिया छोटिया चीज़ें बना के रखी है जो दिवाली यूज होती है। अजय ठाकुर, मैं जी दिवाली के सीजन से जिस तरह शॉपिंग करनी लोगों को गिफ्ट देने रिश्तेदार अपने बिजनेस एसोसिएट्स नो तो उस सब तो अच्छा लगे अजक कुछ हैंडमेड्स तुम आइटम्स दो तो एक बहुत ही अच्छा है जिते मतलब सर हर मतलब तरह का हर एक तरह का थोड़ा हैंडमेड चीज़ा अवेलेबल हैं तो मैं भी वो एक चीज़ बाय की है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने बहुत पसंद है तो मैं बहुत वधिया लगे। करण पी ए कॉलेज का स्टूडेंट हाँ तो उत्तर पी एफ फस्ट ईयर हूँ मैं एडमिशन लई सी तो साड़ी एग्जीबिशन लगी फिर अभी लैम्पस तो दीवे रंगोली का समान बॉटल्स यूटेंसिल्स पेंट वगैरह करके सेल तो कि टाइम लगता है सारा तैयार कर सारा तैयार करने हफ्ता 15 दिन लग ही जाते हैं क्योंकि रंग सुकना पैंता फिर वो दोबारा कोट करना पैंता तो किस तरह लगता है तुम हमें तैयार करके नाल सेल भी कर रहे हो किस तरह हमें कि लगता लगता सही रहा पर कल गुरदासपुर की अहमदिया मुस्लिम जमात की तंजीम मुस्लिम खुदाम अल अहमदिया का 45वां और मजलिस इत्फाल अल अहमदिया का 36वां सालाना इज्तमा का उद्घाटन कल सुबह कुरान मजीद की तिलावत से शुरू हुआ। इसके बाद जमात अहमदिया भारत के चीफ सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इनाम गौरी ने दुआ अदा की। मोटा नाले पा वाला बाबू मोटा का दुआ बिना आदमी जान के
ये यूथ विंग का प्रोग्राम चल रहा है जिनका नाम है खुद्दामुल अहमदिया, अहमदियत के खादिम, खादिम के माने सेवादार के। तो ये जो तंजीम है ये सेवा के कामों में पेश पेश रहती है, आगे आगे रहती है। मानवता, इंसानियत की खिदमत इसका माटो और इसका जो है ना जो मेन काज है, काम है, वो ये है कि इंसानियत की खिदमत करना और खुदा ताला की भक्ति करना, खुदा ताला की इबादत करना। बूढ़ा आदमी खुदा की क्या इबादत कर सकता है, लेकिन नौजवान आदमी खुदा की इबादत रात को कर सकता है, दिन को मखलूक की खिदमत कर सकता है। यही इस का मकसद है इस तंजीम के क़याम का। तो इसका इज्तिमा हो रहा है हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ से हज़ार के करीब नुमाइंदे आए। खुदाम और अफ़ाल जो नौजवान मैंने आपका 7 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बच्चे और नौजवान जो है इस इज्तिमा में आए हैं। ये इज्तिमा का असल में यहाँ पे जो कि दीनी कंपटीशन होती है, जो मजहबी तालीम कितना हासिल किए हैं, अभी अब तक क्या क्या पोजीशन है, तो उसका जो ना कंपटीशन होती है और इसमें स्पोर्ट्स वर्जेसी मुकाबला भी होती हैं जिसमें बच्चे उसमें हिस्सा भी लेते हैं और इसमें अव्वल दुआम सुअम पोजीशन जो हासिल करते हैं उनकी एक हौसला अफजाई भी होती है। और ये हर साल जो कि आज 40 साल से हम लोग जो है ना यहाँ इस कादियन दारुल उलूमान में आके पहुँचते हैं, बहुत ही ये यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर जो नमाज़ें हर एक दूसरे में प्यार मोहब्बत। पंजाब के स्थानीय और निकाय मंत्री अनिल जोशी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा को मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह की नीतियों की जीत करार दिया और इसके साथ ही उन्होंने दोनों राज्य की जनता को भी बधाई का हकदार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों से ही भारत देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। सारे देश को हरियाणा की महाराष्ट्र की जित के उत्ते बहुत बहुत बधाई देना। हरियाणा वो राज है जिथे बीजेपी दी 4 सीटा सी, तो अज 48 सीटा के नाल भारतीय जनता पार्टी 48 तो 50 सीटा के नाल हरियाणे दे विच सरकार बना रही है। महाराष्ट्र दे विच भी सब तो वड्डी पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाऊगी। तो यह जित नरेंद्र मोदी जी की नीतियां की, उसकी ईमानदारी की, देश भगती की, विल पावर की जित है कि जिहड़ा 6 महीने का राज देश दे विच नरेंद्र मोदी जी ने किया, लोगों ने उसदे मोहर लाई है। पूरी दुनिया के हिंदुस्तान का अज झंडा बुलंद किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह की जोड़ी ने यह जिहड़ा देश दे विच वातावरण बनाया। लाल किले के फसील के उत्तों नरेंद्र मोदी जी ने जो तिरंगा झंडा फहराया सी, उदों उन्होंने अपनी नीतियां नूं साफ करता सी, अपनी गल जिहड़ी आ उह साफ सुथरे तरीके च देश नूं समझाती सी कि हुण पिछे मुड़न दी मुड़ के वेखण दी जरूरत नहीं। ते सब नरेंद्र मोदी जी दे नाल मोढे नाल मोढा ला के अज देश दे 125 करोड़ जनता खड़ी आ। कोई भी स्टेट दी कोई सरकार आने वाले समय दे विच जिहड़ी आ भारतीय जनता पार्टी दी बणूगी। ते श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश नूं फिर तों सोने दी चिड़ी, विश्व गुरु ते दुनिया दी सुपर पावर बनाउणगे। अज ये अमरीका ने भी वेख लिया भी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए से, UNO च 193 देश जाते हैं, तो सिर्फ जे ना सी किसी का तो नरेंद्र मोदी का अमरीका च ना सी, जे सिर्फ झंडा दिसदा सी कोई तो हिंदुस्तान का झंडा दिसदा सी। पूरी दुनिया च जिहड़े भी हिंदुस्तानी रहिंदे आ अबरॉड दे विच साडे, वो अज फखर दे नाल उन्हां दा सिर उच्चा छाती चौड़ी आ कि हिंदुस्तान जिहड़ा आने वाले समय दे विच जे कभी इतों कनेडा अमरीका जाने नूं लोकी मन करता सी, हुण ओह समां आएगा कि हिंदुस्तान लोकी आउणगे रुजगार करन। पंजाब के पूर्व मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला में हरियाणा में भाजपा को मिली जीत पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अब भारत की जनता भी राज्य और जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ गई है और यही कारण है कि लोगों ने आज देश में भाजपा का साथ दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह कोई टिप्पणी नहीं करेगी।
क्योंकि यह फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों पर अमृतसर श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि उपकार सिंह संधु की ओर से ये बयान नहीं बनता था, इस पर मुख्यमंत्री साहब बयान देते तो अच्छा था। देखो भी हरियाणा में तो ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, तो बंदे ही नहीं बन गई है और ये बड़ी बात है। इसका मतलब एक बात हो गई, महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी के नाते हम आ गए। ये बात हो गई कि जो नई पीढ़ी है ना, अब वो जात पात धर्म और अगड़ा पिछड़ा इसके बंधन से जाल से मुक्त हो रही है और लोगों को विकास चाहिए, लोगों को देश का नाम चाहिए, वो बड़ा अच्छा हो गया। और मुझे लगता है इसके और साल दो साल बाद जो चुनाव होंगे ना, तो वो जो पुराने नेता बोलते रहते हैं ना कि हम किस वर्ग की पार्टी हैं, अब सारे वर्ग खत्म हो जाएंगे, एक ही वर्ग होगा हिंदुस्तान को आगे ले जाने वालों का। और शिव से जो हमारा महाराष्ट्र में हम थोड़े अभी पीछे हैं, मतलब अब तो पीछे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, इतनी सीटें पहले कभी नहीं मिली। और बीजेपी का तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कुल मिला के बीजेपी देश में बहुत आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने में भी सबसे खुशी की बात है कि सब भिन्न भेद मिटा के अब जनता हिंदुस्तान की एक हो रही है। हिंदुस्तान की जनता को बधाई। मुझे लगता है उपकार सिंह संधु को नहीं बोलना चाहिए था, ही इज़ टू जूनियर। इसके लिए बादल साहब कुछ कहते तो समझ आता था। उपकार सिंह संधु ने जिसको आपको कह सकते हैं ना अनवांटेड अनाधिकारित चेष्टा की है, जिसको जनता ने पसंद नहीं किया। इवन अकाली सर्कल के कोई लोग मिले, उन्होंने भी पसंद नहीं किया। नहीं, ये तो वो नवजोत कौर ही बताएगी, ठीक है। ये फैसला तो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा फैसला तो केंद्र करता है ना, किसके साथ रहना है नहीं रहना, किसको मुख्यमंत्री बनना है। मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ बातें न कही जाए तो अच्छा है। जो 2017 में होगा, क्या लगता है कि साइड और बीजेपी अलग अलग होंगे? ये फैसला बेटा जी दिल्ली वाले करेंगे, ये अडवाणी से पूछना। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद द्वारा झारखंड की जिला रांची में शुक्रवार को मंदिरों में दलितों के प्रवेश निषेध होना उचित है बयान की नखेदी करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका ने झारखंड के डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए कि इस मामले में इंक्वायरी करते हुए आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए और 15 दिनों के अंदर एक्शन टेकर रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। झारखंड दे विच रांची दे विच उत्थों दे एक फंक्शन दौरान शंकराचार्य जी सुरूपानंद जी ने एक बहुत ही दुखदाई बयान दिता है, जिदे विच उन्होंने कहा है कि दलितों नू मंदिर च जाण दी रोक होनी चाहीदी है। मैं समझना कि आजाद देश दे अंदर अजिही बयानबाजी ये देश नू वंडण दी गल है, देश दे अंदर नफरत फैलाण दी गल है। अज इस केस दे विच मैं उत्थों दे झारखंड दे DGP नू इनक्वायरी मार्क कीती है कि वह 15 दिन अंदर रिपोर्ट करन। जे उन्होंने ये गल कही है जेडे कि पेपरां च कोड होई है, बहुत सारे TV चैनलों च भी कोड होई है, अगर उन्होंने अजिही गल कही है तो मैं उन्होंने कहता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करन और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी नू फौरी तौर पर गिरफ्तार करन। बड़ी जल्दी ही झारखंड मैं विजिट करन जा रहे हैं और उसकी इनक्वायरी करन जा रहे हैं। जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे भाई गुरबख्श सिंह खालसा आज सुबह जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह से मिलने के लिए पहुंचे और जत्थेदार को उन 7 सिखों की सूची सौंपी जो जेलों में अपनी सजा पूरी होने के बावजूद कैद हैं। जी, मैं गुरबख्श सिंह खालसा हरियाणा वाला बेनती करदा जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह साहब को असीं आए सां जी, उन्होंने साडे कोलों, मैनूं एक महीना हो गया, मैं अलग अलग लैटर दे रहा। पहला बादल साहब नूं असीं मंग पत्र दिता इन्हां सिंघां दी रिहाई वास्ते, उस तों बाद चंडीगढ़ गवर्नर दे नाल बह के गल होई, उन्हां नूं बेनती पत्र दिता, फिर असीं श्रोमणी कमेटी नूं लैटर लिखिया सी कि सानूं जगह दित्ती जाए बहन वास्ते, अकाल तख्त साहब नूं लैटर लिखिया, फिर अकाल तख्त साहब तों सानूं एक फोन कॉल गई कि तुसीं सानूं सिंघां दी सूची दिओ। उह सूची असीं तैयार करके अज सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं दित्ती है, जिन्हां उह जिहड़ी सूची दे विच 101 सिख उह है कि जिहड़े संघर्षी सिंह अज तक जेलां च बंद ने, 7 सिंह उह ने कि जिन्हां ने अपनियां सजावां तों वी वध सजा भुगत ली है, उहदे बारे असीं सारी जानकारी जिहड़ी उह सिंह साहब नूं अज दित्ती है। उहनां ने भरोसा दवाया कि असीं जल्दी
गल करके सरकार दे नाल ते नबंदी सिंघां दे वास्ते जो असी कर सकते हैं जरूर करांगे। सो मैं इहदे च बेनती कर रहा ते सिंह साहब ने भी कहा ते मैं भी संगत नूं बेनती करदा भी आपां सारे बाणी पढ़ के जपजी साहब दे पाठ करके गुरु ग्रंथ साहब दे चरणां च अरदास करिए। गुरु ग्रंथ साहब ने जदों मन च रहम आ गई तो उदों इह सिंघ रिहा हो जाणगे। किसी सरकार ने किसे जिम्मेवार बंदे ने कुछ नहीं करना। मैं यही हाथ जोड़ के संगतां दे चरणां च बेनती करदा आओ आपां बाणी पढ़ के अरदास करिए। दूजी गल भी जिहड़ा इह पहली तरीक दा पंजाब बंद रख्या गया है ये बेइंसाफी के हक च रख्या गया है कि सिखां नाल किन्नियां बेइंसाफियां होईयां ने। ये कोई सिखी कतलेआम नहीं होया, ये साडी नसल कुसी होई है। उहदे विच जो एक भाई करनैल सिंह पीर मुहम्मद फैडरेशन वालिया ने पंजाब बंद का सद्दा दिता सी उहदा समर्थन करदे हां ते पूरी सिख समाज नूं नौजवानां नूं मैं बेनती करदा कि उहदे च वध चढ़ के आपां हिस्सा लईए। दूजा 2 तरीक नूं दल खालसा वल्लों जो इंसाफ मार्च रख्या गया जो दिल्ली जाना है उहदा भी असीं समर्थन करदे हां ते पूरे नौजवानी नूं मैं बेनती करदा कि अपने इंसाफ जिहड़े हक ने ये लै जाते हैं जूझ के लै जाते हैं सिख जानते हैं किमें लै जाते हैं तो आओ आप शांतमई ढंग के नाल आप दायरा बदलीए। हूँ अज का युग जोड़ा हूँ ये संघर्षी युग नहीं है ये कलम का युग है। आप हूँ कलम में जूझ करके तो अपने संघर्ष में अगे बधाईए तो अपना इंसाफ जोड़ा वो असी इस सरकार तो लीए। मैं उम्मीद करदा कि जी मोदी सरकार बनी है ये सिखा इंसाफ दवाएगी, भरोसा करते हैं असं इन्हों देखते हैं आगे की करते हैं भी सिखा इंसाफ मिलता है ज नहीं मिलता। जे ना मिले तो सिख इंसाफ ले लेंगे। भुलां की माफ़ी जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अच्छा, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज भाई गुरबख सिंह खालसा सिंघां की रिहाई वास्ते जो वख वख जेलों में बंद हैं जिन्हां दियां सजावां पूरियां हो चुकियां हैं और जो कुछ पहलों पैरोल ते छुट्टी काटे वे के भी गए ने उन्हां दी रिहाई वास्ते एक अपनी लिस्ट दे के गए ने जिहदे विच तकरीबन 7 सिख ने जिन्हां दियां कैदां पूरियां हो चुकियां ने। पंजाब सरकार दे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी राही पंजाब सरकार दे नाल गल्लबात करांगे ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक निजी गैस कंपनी की ओर से पंजाब भर में गैस सप्लाई करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के मालिकों को 2500 करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। जब एजेंसी मालिकों की ओर से कंपनी के दफ्तर के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई तो कंपनी के मालिक और अधिकारी अपना दफ्तर बंद कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस की ओर से एजेंसी मालिकों की शिकायत पर कंपनी के 12 मालिकों और हिस्सेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कंपनी के एक हिस्सेदार को काबू कर बाकी लोगों की तलाश शुरू की गई। मैं सरदार जसविंदर सिंह शाह पिंड मीवण दा साडे भारतीय प्राची गैस एजेंसियां सी जिहदे विच पंजाब विच कोई 100 दे करीब एजेंसियां इन्हां दित्तियां जिन्हां दे विच इन्हां हर एक बंदे को लसंस फीस 8000 रुपया ते सिक्योरिटी फीस 25 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को ले। जिस तरह इन्हां सारिया नूं हौली हौली करके एजेंसियां वंडियां बाद विच इन्हां 1-6 महीने लगातार सप्लाई दित्ती क्योंकि उदों उस टाइम इन्हां दे कनैक्शन विक रहे ही जिहदे विच कनैक्शन विच वेचण दे नाल साडे पंजाब दा 2 लाख जिहड़ा लोक आ जिन्हां कनैक्शन लए आ जिहड़े 2 लाख सिलेंडर बेकार होए पए आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਨ
गौरव महाजन ते केशव महाजन सी इन्हां दोवें ही नाल कंपनी नाल रले होए सी इन्हां रल के ही नाल एजेंसियां वेचियां रल के ही नाल उन्हां नाल मतलब गैस की रेट वधाउंदे रहे जदों जे असी रेट पहला साडे नाल एग्रीमेंट जिहड़े कीते सी इन्हां कीते सी वी जो सप्लाई जिहड़ी आ दूजियां एजेंसियां सरकारी एजेंसियां वांग इस दवांगे उन्हां रेटा ते दवांगे उन्हां रेटा ते सबसिडियां दवांगे ना तो किसी सबसिडी रेट से कोई इन्हें सप्लाई दिती ना वादे हुए रेटा से सप्लाई दिती साढ़े ना 750 रुपया सिलेंडर इन्हें वादा किया सप्लाई हम तुम लगातार देवे 750 रुपये न पैसे पाओ लोगों ने सारिया ने मीटिंग करके असी पंजाब की 750 के नाल पैसे पाए जिदे 750 ना पाए उदो गौरव महाजन के केशव महाजन ने जिन्हें रुपये चैक ही वो सारे अपने को रख ले ना उन्होंने जिहड़ा प्लांट ही उन्हें वेच के ते गौरव महाजन दे दिता क्योंकि उन्हें कहन लगे भी जिहड़े पंजाब दे पैसे आ वो तू वापस कर दे कुल इंडिया दे विच जिथे इन्हां हरियाणा महाराष्ट्र यूपी ते पंजाब इन्हां कोई 1200 करोड़ रुपये का घपला किया साडी मंग सरकार को ये आ भी जिहड़े 2 लख लोग रुजगार जिन्हां ने मेहनत दे नाल रुपया कमाया उन्हां नूं कनैक्शन दित्ते होए आ चाहे सानू गौरमेंट कोई इहो जी दवे चाहे सानू कोई एजेंसियां प्राइवेट दवे चाहे सानू सप्लाई दवे चाहे सानू न्याय दे आवदाया जाए इन्हां दा 15 मैंबरी गौर ग्रोह सी पुत्र सरदार चरण सिंह शाह जटवासी मियांवेंड दे बयान ते दर्ज किया गया सी मुकदमा नंबर 365 अंडर सैक्शन 420-120 बी IPC थाना सिटी तरन तारण ये टोटल 12 दोषी जोड़े अनाउंसड होए सी जिन्हां विचों एक दोषी कल गौरव यादव गौरव महाजन पुत्र श्री हरीश महाजन वासी गुरदासपुर जिन्हों गिरफ्तार करके लैन रहा सी जिन्हों अज पेश अदालत किया जा रहा इन्हां ने जसविंदर सिंह शाह समेत होर भी इन्हों डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो जहाँ जिन्हें लिया सी अपन एजेंसियां गैस बारे इन्होंने ठगी मार के इन्हों गैस ये कहा कि भी असी तुहानू गौरमेंट के आधार पर ठीक है इन्हों गौरमेंट के आधार पर देवे सबसिडी जो इन्हें सबसिडी तो की देनी सी इन्होंने इन्हों गैस देनी भी बंद करती ठीक है जी तो अपने दफ्तर भी बंद करते हैं इन्होंने करीब करीब इन्होंने जसविंदर सिंह शाह समेत होर बाकी बंद ने पर बंदे दे करीब ना करोड़ करोड़ रुपये का ठगी मारी है। लुधियाना के इलाकों में शामिल बरोटा रोड पर शिमला पुरी में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए आज कांग्रेसी पार्षद जरनैल सिंह शिमला पुरी ने अपने इलाके में सफाई अभियान की शुरुआत की और उन्होंने अपने पूरे इलाके में डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए अपने पूरे इलाके में दवा का छिड़काव भी करवाया और इस सफाई अभियान में कांग्रेसी पार्षद के अलावा मेडिकल हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे और उनके साथ इस मुहिम में सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी सहयोग दिया। जी डेंगू बारी बीमारी है वो रोकथाम के लिए असं जी अपने इलाके बार नंबार के जी सफाई मुहिम शुरू की है आज साढ़े सारे जिहड़े कारपोरेशन के अफसर भी आए हैं इंस्पैक्टर और डॉक्टर साहब भी आए हैं और असी रल के सारे ने एक मुहिम छेड़ी आ कि असी जी अपने बार नौ वार्ड के सफाई जी उन्हों पैर दईए तो वधिया ढंग दे नाल जिस तरह डेंगू वाली जी बीमारियां ने कुछ बीमारियां जो फैल रही ने उन्हों तो बचा दे जिस तरह अच्छ धुएं का छिड़का कर रहे हैं और होर भी लगातार जोड़ा यह काम जो चलता रहेगा और जी सफाई जरूरी आ और सफाई के नाल ही जी अद्धिया बीमारियां वो जिहड़ियां दूर हो जांदियां ने यह जिहड़ी मुहिम असीं शुरू की वार्ड नंबर वार्ड इसनूं असीं जारी रखांगे जिथों तक कारपोरेशन के मुलाजमान का सवाल आ उत्थों तक आम पब्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान बनता है क्योंकि आम पब्लिक जदों साथ दे सफाई दे विच जिस तरह असीं गड्डियां लवाईआं ने जिहड़ियां A to Z वो घरां जांदियां ने गली दे विच जाके भी कूड़ा जिहड़ा लोग अपने जिहड़ा कूड़ादान हुंदा उहदे विच पाउण जदों गड्डी गली 'च आउंदी आ उह आवाज़ दिंदी आ कि उह गली दे विच्चों जिहड़ा डब्बा बाहर कढ देना चक के पा के मशीन 'च लै जांदे ने गड्डी दे विच क्योंकि जिथे
ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੂਲਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज अमृतसर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस मनाया गया। इस संबंध में हालगढ़ पिंक प्लाजा मार्केट के पास समागम में किया गया और समागम में बसपा के सूबा प्रधान अवतार सिंह करीमपुरी मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे और उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस पर सबको बधाई दी। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ CBI ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ CBI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ BJP ਉਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। BJP ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਏਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ RSS ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਓਂ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਸਹਿਮ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ
धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन्हां ते तुरंत पाबंदी लाए और इन्हां दे खिलाफ बनदियां कानूनन धारावां तहत परचा दर्ज होना चाहिए ता जो ये जो रोस की लहर घट गिणतियां दे विच पैदा हो गई है वो जिहड़ी आ उहनूं उहदा उहदा उहनूं मतलब सबर उहनूं हो सके। ताजा जिहड़ी पिछले दिन संत बाबा जरनैल सिंह जी का सिर जिहड़ा रावण दे बुत ते लाया गया शिव सेना वल्लों उहदी असीं अज दे रोस धरने दे विच पूर जोर निंदा करदे आ और विरोध करदे आ और सरकार तो मंग करदे आ कि इहनां दे खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इन्हां ते 295 ए दा परचा दर्ज करके इन्हां नूं जेल भेजा जावे तां जो अग्गे तो किसे नूं जुर्त ना पै सके। कदी ये लोग किस गल नाल सिखां नूं नीवां बकाउण दी कोशिश करदे ने किते जिहड़े धार्मिक संत ने उन्हां दे विरुद्ध ऊर जरूर लिख के ते संतां सिखां दीआं भावनां नूं ये ठेस पहुँचाउण की कोशिश करदे ने। कदी ये मारू हथियारां दे नाल लैस हो के घट गिणतियां नूं डराउण की कोशिश करदे ने। सो साडी ये मंग है अज दे रोस धरने दे विच कि इन्हां ते तुरंत पाबंदी लाई जावे ते इन्हां दे खिलाफ बनदियां कानूनन धारावां तहत परचा दर्ज किया जावे। कल रात अमृतसर के एक निजी होटल में एक समागम करवाया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी जी की ओर से दशहरा कमेटी के सभी मेंबरों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसीपी केतन पाटिल, इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह रंधावा, वविंदर महाजन को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद अमन एरी और मानव तनेजा भी मौजूद। गुरदीप सिंह जी बेदी, हाँ जी सर, सर आपके समस्त डिपार्टमेंट का सहयोग पूरा होने से ही। लुधियाना के सीनियर अकाली नेता गुरचरण सिंह गालिब नहीं रहे। लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वह पिछले समय से बीमार चल रहे थे। इस दुख की घड़ी में उनके निवास स्थान पंजाब के मुख्यमंत्री भी दुख प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके जद्दी गाँव गालिब में किया जाएगा। इस मौके पर मनसा के MLA प्रेम मित्तल ने कहा कि उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੁਛ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਨੰਦ ਰਿਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹਿੰਮਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਕੋਲ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 82 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਜੇ ਸੋਹੀ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਨਤੀਜੇ 96% ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਸਭੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ 96% ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਸੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਏ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਜੇਸ਼ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਨਿਊਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। आज सारे भारत में बीजेपी की ओर से हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, पार्टी की जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से अमरसर खन्ना स्मारक में भी आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भांगड़ा डाला गया। ਜੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਕਰਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼, ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਮੰਗ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਰਤਾ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਰਤਾ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਪਰ। हरियाणा की जीत पर खुश हूँ और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो तो अच्छा होगा, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा। अवैध संबंधों के चलते हुई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल पर किया शब्दी हमला।
भाजपा अपने दम पर ही सरकार बनाने में हुई सक्षम, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला ने कहा। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ तात्पर्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।